नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। सेक्शन 122 सीजीएसटी एक्ट में पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंस के बारे में कल हमने पार्ट वन वीडियो में चर्चा की थी। आज बाकी ऑफेंस के बारे में चर्चा करते हैं। अगर पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो ये ऑफेंस माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन लेते समय जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही होनी चाहिए। अगर गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करके कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है तो भी ऑफेंस माना जाएगा। किसी भी तरह की जांच के दौरान जीएसटी ऑफिसर्स की जांच में बाधा उत्पन्न करना भी ऑफेंस कैटेगरी में माना गया है। बिना डॉक्यूमेंट्स के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना भी ऑफेंस माना गया है। सेल्स टर्नओवर को कम दिखाना या छुपाना भी जीएसटी में ऑफेंस माना गया है। जीएसटी लॉ के अनुसार अकाउंट्स ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करना तथा जीएसटी ऑफिसर के मांगने पर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करना या गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना भी ऑफेंस माना गया है। किसी भी प्रकार के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना जो कानून के अंतर्गत प्रतिबंध है, अगर कोई पर्सन करता है तो ये जीएसटी में ऑफेंस माना गया है। किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन पर गुड्स की सप्लाई किसी अन्य व्यक्ति को करना भी ऑफेंस माना गया है। इन ऑफेंस के फाइंड आउट होने पर जीएसटी एक्ट में पेनल्टीज का प्रावधान है। पेनल्टीज लगाने पर ऑफेंस को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक जिनमें फ्रॉड शामिल है तथा दूसरा जिनमें फ्रॉड शामिल नहीं है। अगर फ्रॉड शामिल है तो मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 रुपीज तथा टैक्स इनवॉल्व का 100% अमाउंट जो भी मैक्सिमम है वो पेनल्टी के रूप में लगाया जाएगा। अगर फ्रॉड शामिल नहीं है तो मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 रुपीज या टैक्स अमाउंट का 10% जो भी अधिक है लगाई जाएगी। ध्यान रहे, ये पेनल्टी सीजीएसटी एक्ट के अनुसार है। एसजीएसटी एक्ट में भी इतनी ही पेनल्टी का प्रावधान रहेगा। हम पेनल्टीज के ऊपर अदर सेक्शन के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।